everybody, welcome back to my vlogs. और ये morning का time है. हम लोग blush को morning में morning walk के लिए लेकर के निकले हैं. And crowded place पर नहीं जाते हैं हम. बहुत ही सुनसान सा एक area है हमारी building के पास में, तो वहीं उसको morning में 6 o'clock ले जाते हैं, तो कोई crowd नहीं रहता है. And उसकी भी अच्छी walk हो जाती है, हमें भी fresh air मिल जाती है, हमारी भी थोड़ी सी walk हो जाती है और अच्छा लगता है इन शॉर्ट मॉर्निंग में ऐसा घूमने जाना. सो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा शूट करके आपके साथ भी शेयर करती हूँ ये. अंदर थे मॉर्निंग में, महाराज को वॉक करवा के लाए हैं और इसने क्या किया है, हम सब अंदर थे तो इसको लगा अभी तो कोई देख नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है. यहाँ पे मेरा एरिका पाम लगा हुआ था, पूरा गायब हो चुका है वो. अगर आप देखेंगे तो उसकी सिर्फ ये जड़ दिख रही है मुझे. एरिका पाम पूरा गायब, ये उसके छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी ही मिट्टी. ये देखिए, क्यों क्यों गंदा किया आपने ब्लश? और देखो इसने अपना ये टॉय भी तोड़ दिया, दिख रहा है ब्लश? वो प्लांट क्यों काटा आपने? हाँ, पूरे लेग भी गंदे कर लिए, सब गंदा कर लिया है, तो बैठे हुए हो. हाँ रात के साथ क्यों, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना? अभी फर्क पड़ेगा. ये है मेरा ब्रेकफास्ट एंड ये राशन आ गया है, मैं आपको भी दिखाऊंगी क्या क्या है. और मैंने मेरे बालों में सीरम वीरम लगा लिया और आईब्रोज एकदम ज़्यादा बढ़ गई है, बट अब कोई बात नहीं. एंड ये ड्रेस मेरी बहुत ही न्यू ड्रेस है, बट अभी क्या पता कब तक कहीं नहीं जाना, सो आई थॉट इसको घर पे ही पहन लेते हैं. शी इन से ही आई थी ये मुझे ड्रेस. टिमटिम ये भी, टिमटिम की भी न्यू ड्रेस है. मैंने टिमटिम की भी ऑलमोस्ट न्यू ड्रेसेस जो है वो निकाल दी, क्योंकि अब वो भी बड़ी होती जा रही. चलो मैं तो बड़ी नहीं होंगी, ज़्यादा ज़्यादा मोटी होंगी, वो तो बड़ी हो रही है, उसकी सारी न्यू ड्रेसेस फिर छोटी हो जाएंगी. इसलिए मैंने सारी न्यू ड्रेसेस निकाल दी कि अभी घर में ही पहन जाओ, नहीं पता अभी बाहर कब तक नहीं जाना है. ब्लश का जो रेबीज का बूस्टर था वो बचा था, तो वो उसकी वैक्सीनेशन के लिए ये वेट आए हुए थे, तो हम लोग उसको वैक्सीनेशन करवा रहे थे. तो प्रॉपर लाइक उसका वेट मेजर करना और सारे चेकअप, वो सारी चीज़ें तो होती ही हैं जब भी वेट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए. तो सो मैंने ये भी शूट कर लिया था आपको दिखाने के लिए. तो ऑलमोस्ट ब्लश की जो एज है वो अभी 2.5 महीने की हो गई है, लाइक ही इज़ 2.5 मंथ ओल्ड. और अच्छा है ओवरऑल, डॉक्टर ने बोला उसकी ग्रोथ अच्छी है. तो एक उसको हमने जो रेबीज़ का बूस्टर था वो लगवाया, एंड एक कुछ 7 समथिंग कोई एक इंजेक्शन होती है जिससे 7 डिजीजेस को वो क्योर करती है, तो वो भी उसको लगवाया था. सो ब्रेकफास्ट हो गया मेरा और आज पोहे खाए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया आज मेरे हस्बैंड ने पोहे बनाए थे, बिकॉज आज छुट्टी थी एंड आज उन्होंने बोला मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ. और सुबह उठ तो हम बहुत जल्दी गए थे, जैसे कि आपने देखा हम लोग इसको वॉक पर ले गए थे ब्लश को. ब्लश हमारा अलार्म क्लॉक हो गया है एग्जैक्ट 6 o'clock, ना ही 6 मिनट से 5 मिनट आगे, ना ही 5 मिनट बाद में, एग्जैक्ट 6 o'clock वो हम लोगों को उठा देता है. और ऐसे भौंकता नहीं है, बस पास में आके कुकू करता है और हम उठ जाते हैं. ऐसा नहीं कि उसको भूख लगी होती है, उसको खाना देते हैं तो वो इमिडिएटली खाता भी नहीं, आराम से थोड़ा रुक के ही खाता है, बट 6 बजे वो उठा देता है हम लोगों को. तो हम लोग 6:30 के अराउंड उसको नीचे ले जाते हैं, और मतलब हमारी बिल्डिंग के जस्ट पीछे एकदम एम्प्टी स्पेस है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, मतलब क्राउडेड प्लेस नहीं है वो, तो वहाँ ले जाते हैं. मतलब रिस्क एज सच नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ हम उसे ले जाते हैं, वॉक वगैरह करते हैं एंड डेली का यही है. बट आज वीकेंड था तो हम वापस आकर के हम लोग फिर से सो गए थे,
ब्लश भी सो गया था और हम लोग भी सो गए थे। तो उठे हम लोग 9:30 के अराउंड, फिर 10 बजे एक कॉल थी तो वो कॉल अटेंड की हम लोगों ने। फिर उसके बाद में घर की साफ़ सफाई और नाश्ता करते करते अभी 11:30 हो गए हैं। तो आज बहुत लेट हो गया, तो पोहे बने थे ब्रेकफास्ट में, तो मैंने सोचा कि मैं आज ब्लॉग की स्टार्ट करती हूँ। कल तो नहीं कर पाई मैं, और फेस बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे आईब्रोज की वजह से। इवन मेरे को वैक्स वगैरह भी करना है। तो मैंने आप लोगों के साथ में एक रेज़र शेयर किया था ना, पी सेफ का जो फुल बॉडी हेयर रिमूविंग किट, आई थिंक लास्ट वीक ही किया था मैंने एक वीडियो में शेयर, तो वो रखा है मेरे पास में, तो मैं उससे ही करने वाली हूँ। और मैं आपको राशन दिखाती हूँ। राशन आई थिंक परसों आया था, तब से वो मैंने आते से ही पहले तो उसको सैनिटाइज कर दिया था, बट वो हमने ऐसे ही रख दिया था। तो आज उसको उसकी जगह पर रखना है। उसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। हाँ, तो सबसे पहले ये यहाँ पे दाल रखी है, और ये मैंने पूरा ये डिस्पोजेबल मास्क भी मंगवाया था अमेज़ॉन से, तो ये यहीं पर पड़ा है सारी चीज़ों के साथ में। सो ये है तुअर दाल, एक ये और एक ये, 2 किलो तुअर दाल मंगवाई थी। देन ये है चाय पत्ती, फिर ये है बेसन। ऐसे ही दिखा दे रही हूँ, बस एक एक चीज़ हाथ में लेके नहीं दिखाऊंगी। देन ये मैंने वो मंगवाया है पास्ता, ये वीट पास्ता है। देन ये है वो डार्क चॉकलेट जो मैं खाती हूँ। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कौन सी डार्क चॉकलेट खाते हो आप, तो मैं ये अमूल की 55% रिच कोकोआ वाली जो डार्क चॉकलेट आती है ये खाती हूँ। देन ये मठरी ऐसे ही मंगवा ली थी हल्दीराम की। फिर ये स्पेगेटी मंगाई है, ये भी वीट स्पेगेटी होती है। तो वंस इन अ वाइल मन करता है कुछ ऐसा, स्पेशली वीकेंड के दिन मुझे बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं रात में दाल चावल या रोटी सब्ज़ी खाऊं, तो वीकेंड में ही ये सारी चीज़ें मुझे यूज़ आती है नाइट में, मतलब डिनर के लिए। फिर ये एक सैनिटरी पैड मंगाया है। इसके अलावा ये चावल, मैं आपको बताती हूँ ये चावल अच्छा है, अगर आपको लेना होगा ना तो एक बार ट्राई करना डेली के लिए। ये सुरुति कोलम का राइस आता है, देखिए सुरुति कोलम दिस वन, ये राइस, ये बहुत अच्छा चावल है डेली के लिए। दिस इज़ ब्लर हो रहा है ना, हाँ डेली के लिए ये चावल अच्छा है। ये बीबी पॉपुलर का है, नॉर्मल भी आते हैं सुरुति कोलम के राइस, तो ये आप ट्राई करना एक बार। देन सूजी हो गया। फिर ये काला नमक मंगवाया है मैंने, कभी कभी खाने के साथ में खाने के लिए सोच रही हूँ मेरे नॉर्मल नमक के साथ में इसको थोड़ा मिक्स कर दूँगी। फिर ये बिस्किट रस्क, बिस्किट। फिर ये है काली इलायची, आजकल चाय में डालती हूँ मैं डेली। फिर ये कोकोआ पाउडर का बड़ा सा पैकेट, बिकॉज मेरा कोकोआ पाउडर फिनिश हो गया था, और इस महीने हम लोगों को ये बहुत यूज़ आने वाला है, बताती हूँ आगे क्यों। फिर ये है उड़द दाल, तूर दाल। फिर ये साबूदाना बारीक वाला, और उसके नीचे मैंने मैदा मंगवाया है इफ़ इनकेस ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि घर में मैदा नहीं था। फिर ये उपमा का मैंने ऐसे रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट, मतलब जो क्विकली बन जाता है ना, वो मंगवा लिया। ये खसखस मंगवाया है, कभी कभी किसी किसी खाने में यूज़ आता है खसखस। ये इलायची, सौंफ, ज़ीरा। देन ये है ऑर्गेनिक कसूरी मेथी। ये बिस्किट हो गया, ये पोहे, और ये मैगी का एक बड़ा पैकेट। देन इधर पर एक और मैगी का बड़ा पैकेट, और ये मैंने सिर्फ एक राइस ब्रान ऑयल मंगवाया है, और बाकी 5 लीटर का मैंने वो मंगवाया है मस्टर्ड ऑयल मंगवाया है। तो ये राइस ब्रान ऑयल यहीं पे रखा हुआ है, ये ऑल आउट का डब्बा। देन ये वो सिंक वगैरह चोक हो जाता है ना, तो उसके लिए ये मंगवाया है पूरा। फिर उसके बाद में ये है पोहे, एंड ये थोड़े चिप्स, और ये आलू की चिप्स। सो इतनी चीज़ें हैं जो कि मैंने मंगवाई है ग्रॉसरी में। और बाल मेरे बहुत ही फैले लग रहे, अभी कोम नहीं किया है, सूख गए हैं, अब कोम करूँगी। सो कोकोआ पाउडर का मैं बोल रही थी ना, कोकोआ पाउडर एक्चुअली मैंने बड़ा डब्बा इसलिए मंगवा लिया, मैदा इसलिए मंगवा लिया, क्योंकि मई के मंथ में हमारे यहाँ 2 बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं। फर्स्ट हमारी एनिवर्सरी होती है, हमारी 8th एनिवर्सरी है, एंड टिमटिम का बर्थडे होता है। टिमटिम का 7th बर्थडे है, मेरी एनिवर्सरी 20 तारीख को है, एंड 23 को उसका बर्थडे है। तो हो सकता है कुछ ऐसे डिमांड आ जाए जिसमें मुझे मैदे की ज़रूरत पड़े, तो इसलिए मैंने मैदा मंगवा लिया। और इस बार ही ऐसा सोचा है कि बिल्कुल भी फालतू के खर्चे नहीं करने हैं हमें, चाहे एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, नो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। इवन मेरे हस्बैंड आज पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि उनको वो बोलते हैं मुझसे सरप्राइज़ की उम्मीद मत करना कि मैं सरप्राइज़ दूँ, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या लेकर आऊँ, कैसे सरप्राइज़ दूँ, तो इसलिए तुम बोल दो तुम्हें जो चाहिए। तो यार टू बी फ्रैंक, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि
पास इतने कपड़े हैं कि आई थिंक मैं डेली भी पहनूंगी ना तब भी साल भर में रिपीट नहीं होंगे। मेरे पास ज्वेलरीज बहुत हैं, मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की अगर हम बात करें, मेकअप में ऑलमोस्ट सब है। अब गोल्ड डायमंड की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो मेरे पास ऑलमोस्ट सब है लेकिन यहाँ पर नहीं रखा है मैंने, वो प्रॉपर लॉकर में है। और फिर ऐसा लगता है कि जो गोल्ड में और डायमंड में पैसे लगा के मुझे अभी ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है हमारी कंट्री में, आई थिंक अभी पैसे हाथ में होना ज़रूरी है, नहीं पता कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो वही मैंने इनको बोला मुझे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए, देखते हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम हमारे आसपास जिसको ज़रूरत है किसी चीज़ की वो हम कर रहे हैं और करेंगे, यही सोचा है इस बार एनिवर्सरी और टिम टिम के बर्थडे के लिए। तो कोई भी फालतू का खर्चा नहीं करना है इस बार, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, टिम टिम के लिए एक पहले जैसे हम लोग सोचते थे कि उसको जो मांगती है वो दे दें, बट अभी बड़ी हो रही तो उसकी डिमांड्स भी बड़ी बड़ी होती जा रही है। सो इस बार हमने उसको थोड़ा समझाया है, तो क्योंकि टाइम उतना अच्छा नहीं है, दिल से मन नहीं कर रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करें, तो उसका बर्थडे भी हम बहुत ही सिंपली रखने वाले हैं, तो सारी चीज़ें नॉर्मल ही रहेंगी, बट स्टिल घर घर में तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं ना। सो मैं दिखाती हूँ ब्लश को, ब्लश सो रहा है। जहाँ सब रहते हैं ना वहीं पर, अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी ना तो वो भी अंदर आ जाएगा। सो बस यही था, मुझे बताना था आप लोगों को। मेरा बर्थडे आ रहा है तो मेरी मौसी ने ये भेजा है, तो मैं इसको खोलने वाली हूँ। इसमें एक बहुत सुंदर सी अच्छी सी ड्रेस है मेरी मौसी का भेजा है। ओके मैं खोल के दूँ? हाँ, तो ये मैंने ड्रेस निकाली है, कॉलर की कैसी है, अच्छी है, खोल के दिखाती हूँ आपको। वेरी नाइस। ब्लश यहाँ बैठ के क्या सोच रहा है? मेरे लिए कुछ नहीं आया? आपके लिए तो हर बार आता है। हाँ हाँ, ब्लश के लिए तो हर बार आता है, करेक्ट। आपको पसंद आई ड्रेस? सो वीकेंड है तो वीकेंड में मुझे डिनर में कुछ अलग चाहिए होता है, तो मैं आज ढोकले बना रही थी, तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ आपके साथ में। ये मैंने बेसन लिया है अराउंड एक कटोरी, इसमें मैं 2 चम्मच डालूंगी सूजी के। और वीकेंड में क्या होता है, हम लोग मूवी भी देखते हैं, तो जैसे कुछ इस तरीके का कुछ बना लेती हूँ मैं, उसके साथ थोड़ी पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बना लेती हूँ, तो मूवी देखने में भी मज़ा आता है एंड कुछ डिफरेंट भी हो जाता है। तो सूजी और बेसन ले लिया, फिर उसमें सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला, टर्मरिक डाला, कलर जितना चाहिए लाइक ढोकले में जो कलर चाहिए वो, और थोड़ा सा शुगर डाला, एंड फिर इसको अच्छे से मिक्स किया। फिर पानी डालना है इसमें जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए पानी, और 2 से 3 चम्मच आपको दही लेना है। तो पहले पानी को एकदम अच्छे से मिक्स करके, मतलब जो बेसन और सूजी है उसमें कोई भी लम्स ना रहे वैसे एकदम अच्छे से इसको पहले पानी के साथ में अच्छे से मिक्स करना है। फिर उसके बाद में इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच कर्ड डाल करके इसको वापस से एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया था। सो दही डालकर भी इसको अच्छे से मिक्स करना है, एंड देन लास्टली इसमें करीब 1 चम्मच आपको तेल डालना है, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। मैंने भी यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स किया और फिर उसको करीब आधे घंटे के लिए ढक करके मैंने छोड़ दिया था। अब हाफ एन आवर के बाद में आप देखेंगे तो ये सूजी वगैरह भी जो थी वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, और जो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा खाने वाला सोडा, बिल्कुल थोड़ा सा, लाइक 1/4 चम्मच से भी कम लिया मैंने, उतना ही सफिशिएंट है। आप चाहें तो इसमें इनो भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, मतलब जब आपको वो बनाना है ढोकला उसके इमीडिएटली पहले आपको ये जो सोडा है वो डालना है, एंड वो जो आपको साइड में दिख रहा है वो मेरा ढोकले का जो मोल्ड होता है ना वो है, उसमें मैंने सरसों का तेल लगा के ग्रीस करके रखा था इसलिए ऐसा दिख रहा है वो। तो सरसों के तेल के साथ में उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया, ये बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसी ये आपको दिख रही है, और बस इसके बाद में इसको आप स्टीम होने के लिए रख दें। इसको थोड़ा सा डैब डैब भी कर लें ताकि इसमें अंदर अगर कोई बबल हो तो वो बबल ना बने। ये देखिए स्टीम हो गए हैं, ये अराउंड 15 मिनट्स लगे इसको स्टीम करने में। फिर ठंडा होने के बाद में मैंने इसको कट करके इसको सिर्फ सरसों के दाने के साथ में हल्का सा बघार लिया, आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पंजी दिख रहा है वो।
आप चाहें तो वो शुगर सिरप के साथ में जो तड़का लगाते हैं ना, वैसा तड़का भी लगा सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी अच्छे से रख करके इसकी पिक्चर नहीं क्लिक की, और क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास में, हम लोग को मूवी देखना था और ये सब, तो मैंने फिर उसको नॉर्मल ही जैसे सर्व किया था, हम लोग बड़े से कटोरे में लेके बैठे थे चटनी के साथ में उसको खाने के लिए, एंड लेफ्ट ओवर रोटी का भी पिज़्ज़ा वगैरह बना लिया था मैंने। सो इसलिए ऐसा मैंने इस तरीके से शो कर दिया, और ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, एंड फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।